हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हलवा बनाएंगे। तो हलवा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम्स मैदा लिया है और उसको हम लोग नॉर्मल जैसे आटा के लिए, मतलब आटा जैसे नीड करते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही नीड करना है। अच्छी तरह से उसको गूंदना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे ही आटा के रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही करना है। और ये हलवा हमारे इधर रथ यात्रा में बनाते हैं और बेचते हैं, मतलब जो दुकानदार, ये रथ यात्रा में ही बनता है और मतलब साल के कोई भी महीने में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। देखिए ये हो गया अभी हमारा आटा, देखिए कितना सारा पानी डाल रहे हैं हम लोग, जैसे कि आटा अच्छी तरह पानी के अंदर पूरा रह जाए। आटे से ज़्यादा पानी डालना है जैसे कि पूरा वो आटा उसमें ही रह जाए। और इसको हम लोग 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। देखिए अभी फिर से हम लोग पानी के साथ उस आटे को, मतलब मैदे को नीड कर रहे हैं ताकि उसका जो स्टार्च है वाइट कलर का वो पूरा निकल के आ जाए। देखिए पानी का कलर चेंज हो रहा है, कैसे ये पूरा दूध के जैसा हो जाएगा। देखिए कैसा हो गया, अभी हम लोग इसको छान लेंगे। देखिए पूरा का पूरा छान लेंगे और फिर से पानी डाल के इसको तब तक करेंगे जब तक कि ये देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो मैदा है वो अलग अलग है, अभी बाइंड नहीं हुआ। एक साथ बाइंड हो जाएगा जब भी वो मैदा, तभी उसके बाद उसमें और पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उसके बाद इससे कुछ नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एंड में दिखाऊंगी अभी कि कैसा हो जाएगा। देखिए अभी लगभग, देखिए ये एक ही साथ बाइंड हो गया, आप देख पा रहे होंगे। देखिए पूरा जैसे च्युइंगम हो जाता है ना एक साथ, वैसे ही हो गया। देखिए बस अभी हमको ये पार्ट यूज़ नहीं करना है, ये जो है जो पानी है हमको वो यूज़ करना है। तो देखिए अभी हमने घी लिया है और इस हलवे में प्रोपोर्शन क्या है, जितना हम मैदा लेंगे उसी क्वांटिटी में इक्वल अमाउंट में घी लेंगे और चीनी उसका डबल रहेगा। हमने 250 ग्राम्स मैदा लिया है तो 250 ग्राम्स घी और क्या चीनी 500 ग्राम्स लेंगे। और काजू, और आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट डालें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। और इसको फ्राई कर लेंगे, पहले वो जो घी लिया है उसमें आप डालेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट में, बाकी घी और चीनी का मेजरमेंट आप इक्वल ही रखिएगा। अगर आपको चीनी या मीठा थोड़ा कम पसंद है आप थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए काजू हो गया, देखिए कभी जो पानी हमने निकाला था मैदे से वो सारा का सारा पानी हम लोग इसी में डाल देंगे। देखिए सब डाल दिया, देखिए अभी इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी इसी में ही हम लोग ये देखिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और चीनी और इलायची पाउडर भी एक ही साथ ऐड कर लेंगे। देखिए अभी चीनी और इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे हम लोग और इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि ये मिक्स होते रहे और नीचे से भी ना लगे, तो इसको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि ये सिर्फ हमारे मतलब यहाँ पे रथ यात्रा के टाइम पे ही मिलता है और कभी भी नहीं मिलेगा। और रथ यात्रा के टाइम पे हमारे इधर और एक मिठाई बनती है, उसको शायद दरखिया या द्राखिया ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बनाना नहीं आता लेकिन वो बहुत टेस्टी रहता है, वो मूंग का रहता है, वो बहुत टेस्टी रहता है। और मैं मेरे गांव की बात कर रही हूँ, मैं प्रॉपर सब उड़ीसा की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे गांव मतलब मैं प्रॉपर बेलगुंठा करके एक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, वो उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पे ये रथ यात्रा में होता है। और अभी मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं आती है, ये मेरी मम्मी बना रही हैं और मैक्सिमम मेरी मम्मी को सब फूड का नॉलेज है तो वो ही बनाती है, मुझे ये नहीं आता। मैं भी ये आज पहली बार बनाते हुए देख रही हूँ और आप सबको वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए
जो जो मम्मी ने बताया मैं वही वही बता रही हूँ। देखिए अभी ये जो साइड से बबल्स आ रहे हैं तो अभी ये पक रहा है, कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। लेकिन हम लोग देखिए साइड से बबल निकल रहा है, जब जब ये बबल निकलना बंद हो जाएगा ऐसे जैसे, तभी आप समझना कि आपका हलवा हो गया है। देखिए और ये सच में बहुत टेस्टी रहता है, आप एक बार बना के ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अभी बबल्स निकलना बंद हो गए, हमारा हलवा रेडी हो गया।